रेत माफियों से निपटने के लिए सरकारी अधिकारी भी तरह तरह के आजकल दांव खेल रहे हैं। रेत माफियों के नेटवर्क को खंगालने के लिए बेहद चालाकी से वेश बदलकर छोटे टेम्पो गाड़ी में बैठकर आए मोहाड़ी तहसीलदार ने रेत की तस्करी में जुटे 5 ट्रैक्टरों को आज शुक्रवार 3 दिसंबर को सुबह 5 बजे के दरमियान जब्त कर लिया। दरअसल मोहाड़ी तहसील के पास ग्राम रूहा बटोला घाट के निकट घटित हुई है। इस कार्यवाही में कुल 80 लाख का माल जब्त किया गया है। विशेष महत्व की बात यह रही है कि तस्करों में अपनी पहचान छिपाने को लेकर राजस्व विभाग के तहसीलदार हाफ पैंट बरमुड़ा व टी शर्ट में साधारण व्यक्ति का वेश धारण कर ऑटो में सवार होकर नदी घाट पर पहुंचे थे और निर्भीक तरीके से पेश आए, जिससे रेत माफिया भी धोखा खाकर रह गए। पूर्व विदर्भ के भंडारा जिले में रेती की अधिक मांग है, लिहाजा रेत तस्करों की कुदृष्टि रेत घाटों पर हमेशा बनी रहती है और भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के ग्राम रूहा बिटाला घाट पर रेत माफिया अमेद उत्खनन और परिवहन कर शासन के राजस्व की तिजोरी को चूना लगा रहे हैं। इस बात की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसी बीच रेत तस्करी किए जाने की गोपनीय जानकारी मिलने पर मोहाड़ी तहसीलदार दीपक करंडे द्वारा तत्काल एक टीम गठित की गई और तहसीलदार ने स्वयं छापामारी कार्रवाई को लीड करने का फैसला किया। हालांकि रेत माफियाओं का नेटवर्क इतना बड़ा होने के कारण उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए योजना बनाई गई, जिसके तहत एक छोटे टेम्पो गाड़ी में सवार होकर स्वयं तहसीलदार दीपक करंडे घटनास्थल पर टी शर्ट एवं बरमूडा धारण करके पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने राजस्व कर्मचारियों की मदद से रेत माफियाओं की घेराबंदी की तथा अवैध रूप से तस्करी करते हुए 5 डंफर मौके पर पाए, जिसे जब्त करते हुए मोहाड़ी पुलिस थाना परिसर में जमा किया गया। इस तरह वेश बदलकर की गई अनूठी कार्रवाई में सभी डंफर मालिकों और चालकों के विरुद्ध नियमानुसार पंचनामा पेश कर कुल 80 लाख रुपयों की संपत्ति बरामद करते हुए कार्रवाई की गई है। मोहाड़ी तहसीलदार की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। केसी उजाला न्यूज़ के लिए भंडारा से रवि आर्य की एक खास रिपोर्ट।